सो हेलो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के सारे चीट कोड्स बताने वाला हूँ। हाँ भाई, जितने भी भाई एनिमल्स हैं, जितने भी कार्स हैं, जितने भी बाइक्स हैं, तो भाई सारे के सारे, और तो और RGS टूल के भी। तो भाई इस वाली वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, 5000 लाइक्स का गोल है भाई, फटाफट से कंप्लीट करा दो। तो चलो भाई सीधा बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो चलो भाई मैं गेम के अंदर तो आ चुका हूँ, और अभी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अपने गेम के एनिमल्स के चीट को, ठीक है। तो आपको जाना भाई यहाँ पर डायलर में, और सबसे पहले भाई आपको लिखना है यहाँ पर 50, ठीक है, जिससे आता है भाई अपना वेलोसी रैप्टर है। और हाँ, एक बात बता दूं कि आप है ना इसके ऊपर बैठ नहीं सकते, मतलब वो बैठने वाला अलग आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यार, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अभी आपको जाना है डायलर पर, अभी लिखना है आपको 51, ठीक है, जिससे आ जाता है अपना टीरेक्स वाला, मतलब बड़ा डायनासोर है, ठीक है। और इसके बाद भाई और भी 2-3 डायनासोर है, तो आपको वापस लेना है डायलर पर, और आपकी बार आपको लिखना है 52, ठीक है। अब जैसे आप 52 लिखते हो तो आपको आ जाएगा भाई अपना स्पाइनोसॉर, और इसके बाद अगर आप लिखते हो भाई 53, तो ठीक है, तो इससे आ जाएगा भाई अपना ये रैच, मतलब इतना राइचोसॉर, ठीक है, इसको जो भी बोलते हैं, इतना बड़ा वाला डायनासोर है भाई ये। तो अपने गेम के अंदर है भाई ये टोटल 4 डायनासोर, इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं, तो आपको जाना है भाई यहां पर डायलर पर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 5050, ठीक है, जिससे आ जाता है अपना वेलोसी रैप्टर। लेकिन आपकी बार आप है ना इसके ऊपर बैठ भी सकते हो, मतलब इसके ऊपर बैठ कर घूम सकते हो, ये वाला वेलोसी रैप्टर है, ठीक है। तो इसके अलावा भाई और भी 2 एनिमल्स हैं जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो आपको वापस से जाना भाई यहाँ पर डायलर में, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर 200, ठीक है, यहाँ पर 200 लिखना है, जिससे आ जाएगा भाई अपना हॉर्स, आप इसके ऊपर भी बैठ सकते हो। और तो और भाई इसके अलावा एक और एनिमल है, तो आपको वापस से जाना भाई डायलर पर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई 600, ठीक है। जैसे आप 600 लिखते हो, आपका आ जाएगा भाई डॉग, और नए अपडेट के बाद से भाई आप डॉग के ऊपर भी बैठ पाओगे। तो हाँ भाई, ये थे अपने गेम के कुछ एनिमल्स जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलो भाई अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ अपने गेम के सारे कार्स के चीट को, ठीक है। तो आपको जाना भाई यहाँ पर डायलर पर, ठीक है, और आपकी बार आपको डायल करना 9191, ठीक है, जिससे आ जाएगी भाई अपनी नई वाली थार, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है भाई 9090, ठीक है, जिससे आ जाती है भाई अपनी मॉडिफाई वाली थार है। और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर 8380, ठीक है, 3 बार 8 और 0 लिखोगे तो आपको आ जाएगी भाई यहाँ पर हमर वाली कार। और इसके बाद अगर आप लिखते हो भाई यहाँ पर 300, ठीक है, मतलब 3100 अगर आप लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी बुलेरो कार, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2244 लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी सुपरा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई 8123, ठीक है, 8123 अगर आप लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी मस्टैंग। और इसके अलावा भाई अगर वापस, अबे यार एक सेकंड भाई, फोन बंद हो गया। और अगर आप डायलर में जाकर लिखते हो भाई 8811, ठीक है, अगर आप इससे कॉल करते हो तो आ जाएगी भाई अपनी फरारी। अबे यार बार बार फोन क्यों बंद हो रहा है यार, एक सेकंड। और इसके बाद अगर आप लिखते हो भाई यहाँ पर 2020, ठीक है, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी एंडावर, ठीक है भाई, काफी ज्यादा मस्त लगती है ये। और इसके अलावा अगर आपको भाई यहाँ पर बुलाना है अपनी फॉर्च्यूनर, तो आपको लिखना है भाई 1000, ठीक है, 1000 अगर आप लिखोगे तो इससे आ जाएगी अपनी फॉर्च्यूनर। और अगर आप यहाँ पर 1001 लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ठीक है, मतलब फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट मॉडल है भाई ये। और अगर आप इसके बाद लिखते हो भाई यहाँ पर 6666, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी रेंज रोवर। अबे यार ये तो उछलने लग गई यार, ठीक है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वापस से चलते हैं भाई डालर के अंदर। और अब की बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर 300, ठीक है, 300 लिखोगे तो भाई यहाँ पर देख सकते हो ये आ जाएगी अपनी टार्जन वाली कार। और इसके बाद अगर आप लिखते हो भाई यहाँ पर 4000, ठीक है, 4000 अगर आप डायल करते हो, तो इससे आ जाएगी अपनी पोर्शे। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई 3 बार 3, ठीक है, 333, ठीक है, 333 अगर आप लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक वाली है, ठीक है, ये क्लासिक वाली। और एक स्कॉर्पियो भाई, वो भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप जाते हो डायलर के अंदर और यहां पर लिखते हो भाई 4444, ठीक है, मतलब 3 बार 4 अगर आप लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी स्कॉर्पियो S11। तो भाई ये थे अपनी अपने गेम के कुछ कार, इतने नहीं भाई और भी कार्स हैं भाई, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं, फटाफट से लाइक कर दो भाई वीडियो को। तो अभी हम बात करते हैं भाई कुछ महंगे महंगे कार्स की, ठीक है, जिनका भाई प्राइस करोड़ों में होता है, ठीक है। तो वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार हमको लिखना है भाई यहां पर 2000, ठीक है, अगर आप यहां पर 2000 लिखते हो, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी रोल्स रॉयल, ठीक है। और वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 800, ठीक है, 800 से आ जाएगी भाई अपनी बुगाटी V2, ठीक है, इसका भी भाई मतलब इसका भी प्राइस भाई करोड़ों में है, ठीक है। वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 900, ठीक है, 900 से आ जाती है भाई अपनी ये कॉनिसेग, ठीक है, वापस से। अबे यार फोन क्यों बंद हो रहा है यार बार-बार, वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको यहां पर लिखना है भाई 500, ठीक है, 500 से आ जाती है अपनी ऑडी, ठीक है, ये आ गई ऑडी। वापस से चलते हैं डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई 333, ठीक है, 333 से आ जाती है भाई अपनी लैम्बोर्गिनी, ये तुम देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर भाई वापस से डायलर में जाते हो, अबे यार फोन बंद क्यों हो रहा है, वापस से अगर आप तुम डायलर में जाते हो, और यहाँ पर अगर तुम लिखते हो भाई 700, ठीक है, 700 लिखते हो, तो भाई लैम्बोर्गिनी का एक और मॉडल आ जाएगा, मतलब वो देख सकते हो भाई वो कुछ पुरानी लैम्बोर्गिनी है और ये अपनी नई लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। और इसके अलावा भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ।
तो अगर आप वापस से जाते हो भाई डायलर के अंदर और आपकी बार, आपको लिखना है भाई 3005, ठीक है 3005 अगर आप लिखते हो तो आपकी आ जाएगी भाई निसान GT-R, ठीक है, जो कि इसी वाले अपडेट के अंदर ऐड हुई है। और अभी तुम देख सकते हो भाई मैंने कितने सारे कार्स भाई आपको बता दिए, और सिर्फ इतने नहीं भाई अभी भी कार्स हैं, ठीक है चलो वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप भाई यहां पर डायलर पर जाते हो और यहां पर लिखते हो भाई 100, ठीक है 100 डायल करने पर आ जाती है भाई अपनी पुलिस वाली कार, ठीक है। इसके अलावा एक और पुलिस कार है तो आपको यहां पर लिखना है भाई 101, ठीक है, और एक पुलिस वाली कार आ जाएगी। ये देख सकते हो भाई यहां पर दो पुलिस के कार भी हैं भाई अपने गेम के अंदर। तो चलो भाई अब बात करते हैं कुछ हैवी वाले गाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो आपको जाना है भाई यहां पर फोन के अंदर और आपकी बार, आपको डायल करना है भाई यहां पर 6677, ठीक है, जिससे आ जाती है भाई अपनी JCP। यहां पर तुम देख सकते हो, एक सेकंड, ये थोड़ा लैग होता है, ठीक है, जब भी JCP आती है ना थोड़ा गेम लैग हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं भाई डायलर के अंदर और आपको लिखना है भाई यहां पर 4040, ठीक है 4040 आप जैसे ही लिख जाओगे यहां पर देख सकते हो भाई टैंक आ गई। भाई गेम कितना लैग करता है यार जब भी हम हैवी व्हीकल्स को बुलाते हैं। तो वापस चलते हैं भाई डायलर के अंदर और आपकी बार, आपको लिखना है भाई यहां पर 12, ठीक है 12 मतलब 1212 अगर आप लिखते हो तो यहां पर आ जाएगा भाई अपना ट्रक, ठीक है, ये देख सकते हो। लेकिन इसके पीछे भाई ट्रेलर नहीं है, मतलब ट्रक के पीछे का हिस्सा नहीं है भाई, तो उसको भी कैसे बुलाते हैं बताता हूं भाई। तो आपको आ जाना है भाई थोड़ा पीछे, ठीक है, और आपकी बार आपको लिखना है भाई 0121, ठीक है, मतलब यहां पर बताता हूं, एक सेकंड, जाना है भाई डायलर में, आपको लिखना है भाई 0112, ठीक है, ये जैसे ही कॉल करोगे भाई आ जाएगा ट्रक विद ट्रेलर। अबे भाई साहब भाई ग्लिच हो गया यार, मैं थोड़ा पीछे बुला लिया यार उसको, एक सेकंड थोड़ा इधर तक चलते हैं, यहां पर बुलाते हैं भाई उसको, ठीक है। यहां पर जाना है भाई आपको मोबाइल में और डायल करना है भाई यहां पर 01212, ठीक है, ये आपको डायल करना है जिससे आ जाएगा भाई ट्रक विद ट्रेलर। ये आ गया भाई, ये देख सकते हो ये ट्रक के पीछे का हिस्सा भी है, ठीक है भाई, ये कितना ज्यादा उछल रहा है यार। बाकी इसके अलावा एक और यहां पर गाड़ी आती है भाई, थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूं, एक सेकंड यहां पर चलते हैं। तो इसके अलावा एक और गाड़ी आती है भाई, तो आपको जाना है डायलर पर, यहां पर लिखना है भाई आपको 606, ठीक है, इसके ऊपर जैसे कॉल करोगे आ जाएगी भी अपनी फायर ब्रिगेड गाड़ी, ठीक है, जो भाई आग बुझाने के काम आती है ना वो वाली। तो चलो भाई अब बात करते हैं कुछ मॉन्स्टर ट्रक्स के चीट कोड के बारे में, मतलब इस गेम में बहुत सारे मॉन्स्टर ट्रक्स भी हैं, तो चलो भाई उनको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपको जाना है भाई सबसे पहले यहां पर डायलर पर और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 0300, ठीक है, जैसे आप 0300 भाई डायल करते हो यहां पर आ जाएगी अपनी टार्जन वाली मॉन्स्टर ट्रक। भाई देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। और इसके अलावा अगर आप वापस से जाते हो भाई डायलर के अंदर और आपकी बार आपको लिखना है भाई 01000, ठीक है 01000 आप जैसे ही लिखकर डायल करोगे ये आ जाएगी भाई अपनी मॉन्स्टर ट्रक फॉर्च्यूनर वाली, ठीक है, मतलब भाई फॉर्च्यूनर को भी मॉन्स्टर ट्रक बना दिया यार इन्होंने। और इसके अलावा अगर आप जाते हो डायलर में और आपकी बार आपको लिखना है 0900, ठीक है, यहां पर देखो 0900 जैसे आप डायल करोगे ये आ जाएगी भाई अपनी कॉनी सेग वाली मॉन्स्टर ट्रक, ये भी भाई काफी ज्यादा औसम लग रही है। और इसके अलावा अगर आप जाते हो डायलर के अंदर और आपकी बार लिखते हो भाई 0700, ठीक है 0700 से आ जाती है भाई अपनी लैम्बोर्गिनी वाली, ये देख सकते हो भाई लैम्बोर्गिनी वाली मॉन्स्टर ट्रक। और इसके अलावा एक और लैम्बोर्गिनी वाली मॉन्स्टर ट्रक है, आपको जाना है भाई वापस से डायलर में और आपकी बार आपको लिखना है भाई 03333, ठीक है 03333 जैसे आप लिखते हो ये देखो एक और लैम्बोर्गिनी की मॉन्स्टर ट्रक आ गई है भाई यहां पर। और यहां पर वापस ही जाना है भाई आपको डायलर पर और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 09090, ठीक है 09090 जैसे आप लिखते हो यहां पर आ जाएगी भाई अपनी थार वाली मॉन्स्टर ट्रक। भाई कितनी ज्यादा मस्त लग रही है भाई ये भी। और इसके बाद अगर तुम जाते हो भाई डायलर पर और आपको लिखना है भाई यहां पर 0, ठीक है 0100 लिखना है भाई यहां पर 0100 जैसे आप लिखते हो ये देखो भाई पुलिस कार की मॉन्स्टर ट्रक आ गई भाई यहां पर। और इसके अलावा भाई एक और पुलिस कार वाली मॉन्स्टर ट्रक है, आपको जाना है भाई वापस डायलर में और आपके बाद लिखना है 0101, ठीक है 0101 जैसे आप लिखते हो ये देखो भाई और एक पुलिस कार वाली मॉन्स्टर ट्रक आ गई भाई। तो भाई ये थे अपने गेम के कुछ मॉन्स्टर ट्रक्स, मतलब इतने ही है भाई, कितने भाई 8 है या फिर 7 है भाई जितने भी है मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो चलो भाई अब बात करते हैं कुछ उड़ने वाले गाड़ियों के बारे में, ठीक है जो भाई आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो आपको भाई यहां पर जाना है डायलर के अंदर और यहां पर भाई आपको लिखना है भाई 555, ठीक है 3 बार अगर आप यहां पर 5 डायल करोगे तो आ जाएगी भाई अपनी प्लेन, मतलब जो एयरपोर्ट के अंदर होती है ना भाई येलो कलर की वो वाली प्लेन है भाई ये। और अगर आप वापस से जाते हो डायलर के अंदर और आपकी बार आपको लिखना है भाई 8000, ठीक है 83000 आपको लिखना है यहां पर 8000 जिससे आ जाएगी भाई अपनी हेलीकॉप्टर, भाई ये भी आसमान में उड़ती है। और इसके अलावा भाई अगर आप जाते हो डायलर के अंदर और यहां पर लिखते हो भाई आपको एक सेकंड यहां पर जाना है डायलर में आपको लिखना है भाई 330, ठीक है 330 जैसे आप लिखते हो ये आ जाएगा भाई अपना छोटा वाला जेट पैक, ठीक है इसको आप पेन कर भाई आसमान में उड़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम जाते हो भाई वापस से डायलर में और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहां पर 320, ठीक है मतलब 320 अगर आप यहां पर लिखते हो तो आ जाएगा भाई अपना ये बड़ा वाला जेट पैक भाई जो कि GTA 5 के अंदर होता है। तो चलो भाई अभी बात करते हैं अपने गेम के बाइक्स के चीट कोड के बारे में, ठीक है इस गेम में बहुत सारी बाइक्स है तो चलो भाई उनके भी चीट कोड मैं आपको बताता हूं। तो आपको जाना भाई डायलर पर और यहां पर अगर तुम लिखते हो भाई 9000 है, ठीक है आपको लिखना है 9000 जिससे आ जाएगी भाई अपनी स्प्लेंडर वाली बाइक। और अभी इसके अलावा बहुत सारी बाइक्स है भाई, ठीक है अभी आपको जाना भाई डायलर पर आपको लिखना भाई 6021, ठीक है 6021 जैसे आप लिख जाओगे भाई इससे आ जाएगी अपनी सुपर स्प्लेंडर। और इसके अलावा अगर आप यहां पर
तीन बार 9 लिखते हो, ठीक है, 999 आपको लिखना है, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी यामाहा मैक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई तीन बार 8, ठीक है, 8 8 8 करके अगर आप यहाँ पर तीन बार लिखते हो तो इससे आ जाएगी अपने यामाहा FZ, तो भाई ये भी काफी ज्यादा मस्त बाइक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई 0015, ठीक है, 0015 आपको लिखना है, जिससे आ जाएगी भाई अपना यामाहा R15, ठीक है, जो कि भाई ये काफी ज्यादा मस्त एक सुपर बाइक जैसी दिखती है भाई, ये भी मस्त है, तो इससे यामाहा R15 आ जाएगी। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर 4215 लिखते हो तो भाई इससे आ जाएगी अपनी ड्यूक वाली बाइक, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ड्यूक आ गई। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर लिखते हो भाई 8888, ठीक है, 8888 आपको यहाँ पर लिखना है, जिससे आ जाएगी अपनी ड्यूक 12090, मतलब क्या बोलते हैं भाई इसको 1290, वो वाली ड्यूक आ जाएगी। और इसके अलावा एक और भाई यहाँ पर बाइक आती है, ठीक है, आपको जाना है भाई डायलर में, यहाँ पर लिखना है भाई 5000, ठीक है, जैसे आप 5000 लिखते हो ये देखो भाई पल्सर 200 आ गई भाई, RS 200, ये भी मस्त वाली बाइक है भाई। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर 7777 लिखते हो तो भाई इससे एक और ड्यूक आ जाती है भाई, ड्यूक 200, वो भी है भाई इसके अंदर, वो भी आ चुकी है, ये देख सकते हो। और इसके अलावा तुम यहाँ पर लिखते हो भाई 1211, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है भाई 1211, जिससे आ जाएगी अपनी ये वाली पल्सर बाइक है। और इसके अलावा वापस से चलते हैं भाई यहाँ पर डायलर के अंदर, तुमको लिखना है भाई यहाँ पर 1210, ठीक है, 1210 आवर जैसे लिखते हो भाई इससे आ जाएगी अपनी KTM बाइक भाई, जो कि काफी सारे बंदों की फेवरेट बाइक है। और इसके अलावा एक और KTM बाइक है, तो उसके लिए आपको लिखना है भाई यहाँ पर 1190, ठीक है, 1190 आपको लिखना है, तो भाई एक और KTM आ जाएगी भाई, ये देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त लग रही है भाई ये KTM बाइक। और इसके बाद आपको लिखना है भाई यहाँ पर 4050, ठीक है, 4050 जैसे आप लिखते हो ये देख सकते हो भाई अपनी आ चुकी है अपाची वाली बाइक है। और वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर 3 बार 7, ठीक है, 777 आपको 3 बार लिखना है, जिससे आ जाएगी भाई अपनी डुकाटी, ठीक है भाई, काफी ज्यादा मस्त है ये वाली बाइक है। और वापस से चलते हैं डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई 3 बार 6, ठीक है, यहाँ पर 666 आपको 3 बार 6 लिखना है, जिससे आ जाएगी भाई अपनी बेनेली, ठीक है। और इसके अलावा भाई सबसे फेवरेट बाइक, मतलब बहुत सारे बंदों की ये फेवरेट बाइक होगी, जिसका चीट कोड है भाई 400 है, जिससे आती है भाई अपनी मतलब ZX10R यार। और इसके अलावा एक और बाइक है भाई जो कि बहुत सारे बंदों की फेवरेट है, जिसका चीट कोड है भाई यहाँ पर 3000, ठीक है, जिससे आती है भाई अपनी निंजा H2R। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 7000 डायल करते हो, मतलब 7 3 बार 0, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी हायाबुसा भाई, काफी ज्यादा मस्त लग रही है यार ये वाली भी बाइक है। और इसके बाद अगर आप जाते हो यहाँ पर डायलर पर, आपको लिखना है भाई 9999, ठीक है, जैसे आप 9999 लिखते हो इससे आ जाएगी भाई अपनी बुलेट, भाई साहब खतरनाक वाली लग रही है यार, ब्लैक कलर की बुलेट है। तो भाई साहब तुम देख सकते हो यार कितनी सारी बाइक्स हो गई, और सिर्फ इतनी बाइक नहीं है भाई, और भी बाइक्स है यार, आ जाओ उनके भी चीट कोड मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको जाना है डायलर के अंदर, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई 1111, ठीक है, जैसे आप 1111 लिखते हो आपकी आ जाएगी भाई यहाँ पर साइकिल। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई 0000, ठीक है, आपको 0000 लिखना है, जिससे आ जाएगी भाई अपना यहाँ पर स्कूटी यार, ये वाली स्कूटी आ गई, ठीक है। और इसके अलावा वापस से चलते हैं भाई डायलर के अंदर, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर 4444, ठीक है, जैसे आप 4444 लिखते हो ये आ जाएगी भाई अपनी कोबरा वाली बाइक। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई 6000, ठीक है, 6000 आपको लिखना है, तो इससे आ जाएगी भाई अपनी ट्रॉन बाइक है। और इसके बाद सबसे मेन बाइक आती है भाई, थोड़ा दूर चलते हैं यार वरना ये गाड़ियां फूट जाएगी भाई, तो आपको यहाँ पर लिखना है भाई 5555, ठीक है, ये है भाई अपनी गेम की मेन बाइक है, मतलब गोश्त बाइक, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पर मतलब किसी भी कार के बाजू वगैरह इसको लाओगे ना तो वो जल जाएगी भाई। तो इसके अलावा एक और लास्ट बाइक बच रही है भाई, उसका चीट कोड है भाई यहाँ पर 2222, ठीक है, यहाँ पर है भाई 2222, जैसे आप ये डायल करोगे अपनी आ जाएगी भाई ATV बाइक, ठीक है, मतलब इसके अंदर भाई 4 पहिए होते हैं यार, ये काफी ज्यादा मस्त होती है भाई। तो चलो भाई अब बात करते हैं अपने RGS टूल के चीट कोड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक सीक्रेट चीट कोड बताता हूँ, जिससे भाई ये सामने का जो आपको रैंप दिख रहा है ना, ये गोल गोल घूमने लगेगा भाई, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जाना है आपको RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई रोल ऑन, ठीक है, यहाँ पर फटाफट से लिख लेता हूँ ROLL रोल, यहाँ पर लिखते हैं ऑन, ठीक है। जैसे आप रोल ऑन लिखोगे सामने की तरफ देख सकते हो भाई वो घूमने लग गया भाई, मतलब वो गोल गोल घूमने लग जाता है। और अगर आपको आपको उसको रुकाना है तो आपको जाना है भाई वापस RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई रोल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं भाई ROLL, ठीक है, रोल ऑफ जैसे आप लिखोगे वो देखो रुक गया भाई। तो ये चीट कोड डाल करें ना आप उस वाले रैम को भाई पूरा का पूरा घुमा सकते हो भाई। और इसके अलावा एक और सीक्रेट चीट कोड के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई अपने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे बटन है, ठीक है, ये भाई अपना मोबाइल वाला बटन है, और यहाँ पर भाई ये मारने वाला बटन है, ठीक है, मुख्य। अगर आप इन बटन्स को गायब करना चाहते हो तो भाई आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जाना है RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई UI, ठीक है, पहले तो लिखना है UI, और उसके बाद लिखना है आपको ऑफ, ठीक है, UI ऑफ, ठीक है, UI OFF आपको लिखना है, और राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो राइट करते हैं भाई सारे के सारे बटन्स गायब हो गए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मतलब अपना मोबाइल बंदूक का बटन वगैरह गायब हो गए। और अगर आपको ये बटन्स को वापस लाना है तो वापस से जाओ भाई RGS टूल में, और आपकी बार लिखो भाई UI ON, ठीक है, UI ON करके आपको लिखना
दिखाएं, जैसे राइट करते हो ये देखो भाई सारे के सारे बटन्स आ गए। और इसके अलावा गाइस अपने घर के अंदर भी एक दो तीन चीट कोड है, जैसे कि भाई हो गया पहला अपना फैन, ये तुम देख सकते हो अपने बेडरूम के अंदर है ना भाई, यहाँ पर पंखा है जो कि बंद है, लेकिन तुम है ना इस फैन को चालू भी कर सकते हो भाई। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जाना है आरजीएस टूल में और यहाँ पर आपको लिखना है फैन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ भाई एफ ए एन फैन लिखना है, फिर आपको लिखना है ओ एन, ठीक है। जैसे आप फैन ऑन लिखते हो ना, ये देखो भाई पंखा घूमने लग गया भाई सामने का, तुम देख सकते हो ये अभी अभी बंद पड़ा था लेकिन चालू हो गया। और अगर आपको इसको वापस से बंद करना है तो आपको वापस से आरजीएस टूल में लिखना है भाई फैन ऑफ लिखना है, ठीक है। एफ ए एन लिख दिया और अभी आपको लिखना है ओ डबल एफ, ठीक है। जैसे आप फैन ऑफ लिखते हो ये देखो भाई रुक गया भाई फैन। और इसके अलावा अपने घर के अंदर यहाँ पर कुछ लैंप भी है भाई, ये देखो एक रखा ये वाला लैंप, ठीक है। और वापस से इधर के साइड पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये कोने में एक है और ये कोने में एक है, ठीक है। अगर आपको ये लैंप को ऑन करना है तो भाई आपको कुछ नहीं करना, जाना है भाई यहाँ पर डायलर में और यहाँ पर आपको लिखना है भाई 9, ठीक है। 9 पर जैसे ही कॉल करते हो ये देखो सामने की तरफ लैंप ऑन हो गए भाई, मतलब अपने गेम के अंदर रात हो जाएगी जिससे भाई ये लैंप है ना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे। और अगर आपको वापस से इनको भाई बंद करना है तो वापस से जाओ डायलर में और यहाँ पर आपको लिखना है भाई वापस से 9, ठीक है, जिससे अपनी सुबह हो जाएगी और लैंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर तुम्हें अपने घर का कलर चेंज करना है तो भाई आप वो भी कर सकते हो भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, जाना है भाई आरजीएस टूल में और यहाँ पर आपको लिखना है भाई हाउस कलर, ठीक है। पहले तो हाउस कलर लिख लो, तो यहाँ पर लिखना है एच ओ यू एस ई, ठीक है, एच ओ यू एस ई हाउस लिख लिया। फिर आपको लिखना है भाई सी ओ येल्लो आर, ठीक है, सी ओ येल्लो आर कलर। और अभी आपको जो कलर में हाउस को करना है ना वो कर सकते हो भाई। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ आर ई डी रेड, ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने हाउस कलर रेड और जैसे राइट करता हूँ ये देखो भाई अपना घर हो चुका है भाई रेड कलर का, ठीक है। ऐसे ही करके तुम हाउस को है ना बहुत सारे कलर कर सकते हो। जैसे देखो मैं वापस से चलता हूँ आरजीएस टूल में और लिखते हैं भाई एच ओ यू एस सी हाउस सी ओ येल्लो आर कलर। और आपकी बार मैं अपने हाउस को करता हूं भाई ग्रीन, ठीक है, जी आर डबल ई एन लिखते हैं भाई। यहां पर देखो जैसे राइट करता हूं भाई ग्रीन कलर का हो गया। और तो और भाई आप है ना हाउस को बहुत सारे कलर में कर सकते हो, जैसे कि येलो कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, अरे पिंक नहीं भाई यहां पर व्हाइट कर सकते हो, ठीक है। तीन चार कलर है भाई वो अपने घर को कर सकते हो। और इसके अलावा तुम अपने घर को आरजीबी भी कर सकते हो भाई, आपको लिखना है भाई यहां पर एच ओ यू एस सी हाउस सी ओ येलो आर कलर आरजीबी आपको लिखना है, ठीक है, यहां पर आरजीबी। ये देखो जैसे लिख दिया राइट करते हो भाई ये देखो अपना हाउस मल्टी कलर का हो जाएगा भाई, सारे के सारे कलर्स इसमें लग जाएंगे और तुम इसे बंद नहीं कर सकते भाई आरजीबी हाउस को। तुम्हें कुछ नहीं करना, गेम को बैक करना है, ठीक है, गेम के बाहर जाना, फिर से गेम को लगा लेना, आरजीबी कलर अपने घर से हट जाएगा। ये देख सकते हो गेम मैंने बंद करके भाई यहाँ पर चालू कर लिया और जैसे मैं बाहर जाता हूँ अभी देखना भाई आरजीबी कलर है ना ऑटोमेटिकली अपने घर से हट जाएगा। ये देख सकते हो भाई अपने आरजीबी कलर हट चुका है। और इसके अलावा तुम यहाँ पर सिर्फ अपने घर का ही कलर नहीं चेंज कर सकते भाई, अपने फोन का भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको जाना भाई यहाँ पर वापस से आरजीएस टूल में और आपकी बार आपको लिखना है भाई अभी तुमने लिखा था भाई हाउस कलर करके, तो अब आपको लिखना है भाई फोन कलर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है पी एच ओ एन ई फोन सी ओ येल्लो आर कलर। और अभी आपको जो कलर का चाहिए भाई वो कर सकते हो। अभी मेरा मतलब फोन रेड है तो मैं इसको करता हूँ भाई ग्रीन, ठीक है, जी आर डबल ई एन। जैसे लिखते हो राइट करते हो ये देखो भाई ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम बहुत सारा कर सकते हो भाई, देखो पी एच ओ एन ई वापस से लिखना फोन सी ओ येल्लो आर कलर। और आपकी बार मैं करता हूँ भाई पिंक, ठीक है, पी आई एन के, ठीक है। आपको यहाँ पर कलर का नाम लिखा है, ये देखो पिंक कर दिया, पिंक हो गया। तो आप अपने फोन को है ना भाई यहाँ पर येल्लो ग्रीन ब्लू रेड ग्रे पिंक व्हाइट ये चार बहुत सारे कलर्स हैं, तो भाई ये कलर्स में कर सकते हो। तो चलो गाइस आप बात करते हैं नए अपडेट में आए हुए कुछ तगड़े तगड़े आरजीएस टूल के चीट कोड के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जाना है आरजीएस टूल के अंदर और यहाँ पर आपको लिखना है भाई एच वन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एच वन लिखते हो ये देखो राइट करने पर यहाँ पर एक घर आ जाएगा भाई लिटररी, मतलब तुम यहाँ पर एक घर को स्पॉन कर सकते हो। इसके अलावा भाई अभी है ना तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको जाना है भाई इससे थोड़ा दूर, तो भाई आपको है ना ये घर से थोड़ा बहुत यहाँ पर दूर आ जाना है और आपकी बार आपको वापस से जाना है आरजीएस टूल में और लिखना है भाई आपको एच टू, ठीक है, एच टू। आप जैसे लिख कर यहाँ पर राइट करते हो ये देखो भाई एक और घर आ गया, मतलब वो वाला घर अलग और ये वाला घर अलग। और इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे घर है, चलो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो अगर आप आरजीएस टूल में जाते हो और यहाँ पर आपकी बार आप लिखते हो भाई एच थ्री, तो इससे आ जाएगा भाई अपना ये वाला घर। और यहाँ पर एच फोर लिखने से अपना आ जाता है भाई ये वाला घर। और एच फाइव लिखने से भाई आ जाता है अपना ये वाला घर। और एच सिक्स लिखने से आ जाता है भाई अपना ये वाला घर। एच सेवन लिखने से भाई आ जाता है अपना ये वाला घर। और एच एट लिखने से आ जाता है भाई अपना ये वाला घर। एच नाइन से आ जाता है भाई अपना ये वाला घर। और यहाँ पर एच टेन लिखने से आपका आ जाता है भाई फाइनल ये वाला घर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर टोटल 10 घर हैं जो कि आप आरजीएस टूल में भाई लिख कर स्पॉन कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो भाई कितने सारे घर मैंने बुला लिए यहाँ पर। और इसके अलावा सिर्फ आप यहाँ पर घर ही नहीं बल्कि भाई बिल्डिंग्स को भी बुला सकते हो। तो उसके लिए भाई आपको जाना है भाई आरजीएस टूल में और यहाँ पर आपको लिखना है भाई बी वन, ठीक है, यहाँ पर लिखना है बी वन, जिससे आ जाएगी भाई अपनी ये वाली खतरनाक बिल्डिंग, ठीक है। ये भाई बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब मैं पूरा ऊपर देख भी नहीं सक रहा हूँ भाई, उतनी लंबी बिल्डिंग है ये। और उसके अलावा अगर आप भाई यहाँ पर आरजीएस टूल में जाकर लिखते हो भाई बी टू, ठीक है, बी टू आप जैसे लिखते हो तो आ जाएगी भाई
अपनी ये वाली बिल्डिंग, भाई ये वाली भी काफी ज्यादा मस्त है। और B3 लिखने से आ जाती है ये वाली बिल्डिंग, B4 लिखने से आ जाती है अपनी ये वाली बिल्डिंग, और यहाँ पर B5 लिखते हो तो भाई आ जाती है अपनी ये वाली बिल्डिंग। भाई ये काफी ज्यादा छोटी लग रही है यार, पतली सी बिल्डिंग। बाकी भाई B6 से आती है भाई ये वाली बिल्डिंग, B7 से आती है ये वाली, B8 से आती है ये वाली, B9 से आती है ये वाली, और भाई लास्ट में B10 से आती है ये वाली बिल्डिंग। तो भाई यहाँ पर है ना तुम भाई 10 बिल्डिंग और 10 घर स्पॉन कर सकते हो। भाई ये तुम देख सकते हो, एक सेकंड भाई, पूरा मोहल्ला ही मैंने यहाँ पर बना दिया भाई, एक बड़ी सिटी बना दिया यार मैंने। तो भाई और इतना ही नहीं भाई, और भी बहुत सारे चीट कोड्स हैं, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अब की बार आपको जाना है भाई वापस से RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई P1, ठीक है, P1 आपको लिखना है, और जिससे आ जाएगा भाई अपना ये वाला खंबा, ठीक है। इसके अलावा वापस से चलते हैं RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है P2, ठीक है, P2 आपको लिखना है, जिससे ये अपना ट्रायंगल आ जाएगा भाई, जहां पर रोड का काम वगैरह चलता होता है ना, ये वहां पर रहता है। इसके अलावा वापस से यहाँ पर आपको लिखना है P3, ठीक है, P3 आप जैसे लिखते हो ये आ जाएगा अपना दीवार का टुकड़ा, ठीक है। इसके अलावा वापस यहाँ पर आपको लिखना है P4, ठीक है, P4 जैसे लिखते हो ये आ जाएगा भाई अपना एक स्क्वायर वाला बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर तुम पेड़ पौधे वगैरह लगाते हो ना वो वाला। और आपको यहाँ पर लिखना है भाई P5, ठीक है, जैसे भाई यहाँ पर P5 लिखकर आप राइट करते हो, इससे आ जाएगा भाई अपना ये डस्टबिन, ठीक है, जो अपने ओल्ड हाउस के पास रहता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर P6 वापस से, ठीक है, जिससे अपना भाई यहाँ पर फुटपाथ वाला यहाँ पर ये आ जाएगा भाई लोगो। इसके अलावा तुम यहाँ पर लिखते हो भाई P7, ठीक है, P7 से आ जाते हैं भाई अपने चार कचरे के डब्बे कलर कलर के। इसके अलावा तुम यहाँ पर लिखते हो भाई P8, ठीक है, आपकी बार आपको लिखना भाई P8, जिससे अपना ये छोटा वाला डस्टबिन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई P9, ठीक है, P9 से आ जाता है भाई ये वाला अपना, ये पता नहीं भाई ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है भाई, P9 से आता है। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो P10, जिससे आ जाएगा भाई अपना बड़ा वाला इलेक्ट्रिक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई इतने सारी चीजें मैंने स्पॉन कर दिया, और ये भी इतने नहीं भाई, और भी है भाई, चलो वो भी बताता हूँ। तो भाई देखो आपकी बार आपको जाना है RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है आपकी बार T1, ठीक है, आपको लिखना है भाई यहाँ पर T1, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर T1 लिखोगे ये देखो आपका एक आ जाएगा भाई, और यहाँ पर आप लिखते हो भाई एक सेकंड भाई, अबे रुक जा भाई। और अगर आप वापस से जाते हो भाई RGS टूल में, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर T2, ठीक है, T2 आप जैसे लिखते हो देखो भाई एक और यहाँ पर अलग वाला पेड़ आ गया। और अगर आप वापस से जाते हो और लिखते हो भाई यहाँ पर T3, ठीक है, T3 लिखने पर ये देखो एक और नया वाला पेड़ आ गया। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी बार आपको लिखना है भाई T4, ठीक है, T4 आपको लिखना है, ये देखो एक और पेड़ आ गया। और फिर से चलते हैं भाई थोड़ा बहुत पीछे, और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर T5, ठीक है, T5 जैसे लिखते हो ये देखो भाई एक और पेड़ आ गया भाई, कितना ज्यादा बड़ा है भाई ये। और थोड़ा पीछे चलते हैं और आपकी बार आपको लिखना है भाई यहाँ पर T6, ठीक है, जैसे भाई आप यहाँ पर T6 लिखते हो एक और पेड़ आ गया भाई। तो यहाँ पर टोटल 6 पेड़ हैं, देख सकते हो भाई कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं भाई, और ये वाला सब में बड़ा है। तो चलो भाई पेड़ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी बात करते हैं और भी चीट कोड के बारे में, ठीक है। तो आपको जाना है भाई वापस से RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है भाई C1, ठीक है, C1 आपको लिखना है, जिससे आ जाएगा भाई अपना रेड वाला कंटेनर। और ये सिर्फ एक ही नहीं है भाई, ऐसे आप 5 कंटेनर को स्पॉन कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं, और यहां पर आपकी बार एक सेकंड भाई, आपकी बार आपको लिखना भाई आप C2, ठीक है। तो यहां पर एक और कंटेनर आ जाएगा, ये देख सकते हो भाई ब्लू कलर वाला। और यहां पर भाई C3 लिखने से आ जाता है ये वाला कंटेनर, C4 लिखने से आता है भाई ये वाला, और लास्ट में C5 लिखने से आता है भाई अपना ये वाला कंटेनर। तो तुम यहां पर टोटली 5 कंटेनर को बुला सकते हो। तो भाई मैंने आपको बता दिया भाई सारे के सारे बुलाकर, और सिर्फ कंटेनर ही नहीं भाई, अगर आप यहां पर जाते हो भाई वापस से RGS टूल में, और आपकी बार आपको लिखना भाई यहां पर W1, ठीक है, W1 जैसे आप लिखते हो तो भाई आ जाएगा आपकी दीवार भाई, यहाँ पर दीवार आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर लिखते हो भाई W2, ठीक है, तो एक और दीवार आ जाएगी भाई, ये देख सकते हो उतना ज्यादा फर्क तो है नहीं भाई दोनों में, बस वो प्लेन है, और इसके अंदर है ना आपको भाई यहाँ पर लकीरें वकीरें दिख जाती है। और इसके अलावा भाई तुम है ना एक और चीज को यहाँ पर बुला सकते हो, तो जाना है भाई आपको RGS टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है R1, ठीक है, R1 जैसे आप लिखते हो तो यहाँ पर आ जाएगा भाई अपना रैंप है, जिसके ऊपर से तुम गाड़ियां वगैरह उड़ाते हो ना भाई वो वाला। तो चलो गाइस अभी मैं आपको है ना RGS टूल के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में बताता हूँ भाई, मतलब स्पेशल चीट कोड के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो RGS टूल में, और अब आपको लिखना है भाई यहाँ पर जेट, ठीक है, JET, अगर आप जैसे JET जेट लिखते हो ना, तो भाई आसमान में ना जेट उड़ने लगेंगे भाई। यहाँ पर देख सकते हो मुझे आवाज तो आ रहा है, एक सेकंड भाई फोन रख ले यार, किधर है किधर है किधर है किधर है। अब देखो वैसे तो मुझे जेट दिख रही नहीं, एक काम करते हैं भाई बहुत बार लिखते हैं, ठीक है, आप जितनी बार यहाँ पर जेट लिखोगे ना उतने ही जेट आते रहेंगे। तो वापस से लिखते हैं भाई फटाफट से, ये देखो JET आपको लिखना है, ठीक है, ये देखो एक बार लिख लिया, फिर से लिखते हैं JET, फिर से एक बार लिख लिया, फिर से लिखते हैं JET, ठीक है, बार बार यहाँ पर आपको जेट जेट लिखना है, जितनी बार लिखोगे ना उतने जेट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये देखो भाई सामने की तरफ आपको दिख रही होगी, ये देखो जेट उड़ रही है आसमान के अंदर, ठीक है, ये एक ही नहीं भाई बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आप जितनी वो देखो ऊपर एक जा रही है, वो देखो बिल्डिंग के ऊपर भाई बहुत सारे जेट आएंगे, ठीक है, जितनी बार आप जेट लिखोगे ना उतनी बार आएंगे। और इसके अलावा आपकी बार तो अपडेट के अंदर भाई हेलीकॉप्टर्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है, अगर आप जाते हो भाई RGS टूल में और तुम्हें यहाँ पर लिखना है भाई हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पर देख सकते हो हेलीकॉप्टर मैंने लिख लिया, और जैसे तुम इसको भी राइट करते हो ना, तो भाई
आसमान के अंदर हेलीकॉप्टर भी आने लगेंगे। भाई एक सेकंड भाई, मुझे देखने तो किधर है यहाँ पर तो भाई जेट ही उड़ रहे हैं यार, हेलीकॉप्टर तो दिख नहीं रही। एक काम करते हैं भाई, बहुत बार हेलीकॉप्टर लिखते हैं जिससे भाई बहुत सारी आ जाएगी ना, तो हमको दिख जाएंगे भाई। तो भाई तुम सामने की तरफ देख सकते हो भाई, ये रही एक हेलीकॉप्टर, ठीक है, आसमान के अंदर उड़ रही है, ये तुम देख सकते हो भाई सामने की तरफ है, ठीक है। एक सेकंड में तुम्हें स्नाइपर निकाल कर दिखा देता हूँ। अबे यार ये देखो, ये उड़ रही है ना भाई सामने की तरफ। तो ऐसे ही भाई तुम जेट लिखने पर जेट उड़ने लगेगी, और जैसे तुम हेलीकॉप्टर लिखते हो तो आसमान के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ने लगेंगे भाई। ये देख सकते हो उड़ रही है भाई हेलीकॉप्टर। और इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पर सीक्रेट फीचर है भाई आरजीएस टूल का। अगर तुम यहाँ पर जाते हो आरजीएस टूल में, तो तुमको यहाँ पर लिखना है भाई SAVE, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है SAVE। जैसे आप यहाँ पर सेव लिखते हो, तो भाई तुम्हारा कैरेक्टर है ना यहाँ पर सेव हो चुका है। मतलब अगर तुम यहाँ पर गेम को बंद करके आओगे ना, ये देखो मैं तुम्हें गेम को बंद करके प्ले करके बताता हूँ तुमको है ना वापस उसी जगह पर कैसे जाना भाई जहां पर तुमने सेव किया था गेम को। अभी देखो मैं आ चुका हूँ घर के अंदर, ठीक है। तो आपको लिखना है भाई यहाँ पर आरजीएस टूल में जाना, और यहाँ पर आपको लिखना है LOAD, ठीक है। जैसे LOAD लिखते हो राइट करते हो, ये देखो मैं तुरंत से भाई उसी जगह पर चला गया, ठीक है, जिस जगह पर मैंने गेम को सेव किया था। और इसके अलावा आरजीएस टूल का एक और सीक्रेट चीट कोड मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ भाई आरजीएस टूल में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई H1, ठीक है, H1 लिख के मैंने यहाँ पर बुला लिया भाई घर को, ठीक है। और तुम्हें ये घर को है ना यहीं पर सेव करना है, मतलब ये घर कभी भी गायब ना हो, ठीक है। मैं अभी तुमको एक काम करके बताता हूँ, ये देखो ये मेरा घर है, मैंने अपने घर के सामने इस घर को बुला लिया। अगर मैं गेम को बंद करता हूँ, ठीक है, बंद करके वापस से चालू करता हूँ ना, तो ये घर गायब हो जाएगा भाई यहाँ से। अभी देखना तुम्हें मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर, और अभी यहाँ से चलते हैं भाई बाहर। वो देखो भाई बाहर की तरफ भाई घर गायब हो चुका है, और वो घर है ही नहीं है। अभी मैं आपको एक ऐसा चीट कोड बताने वाला हूँ ना, जिससे तुम लाख बार हजार बार भी गेम को बंद करोगे ना, फिर भी वो घर गायब नहीं होगा। तो भाई देखो सबसे पहले घर को बुला लेते हैं वो वापस से, यहाँ पर लिखते हैं भाई H1, ठीक है। ये देखो अभी आ गया ये घर, अभी मुझे ये घर को है ना यहीं पर सेव करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, आरजीएस टूल के अंदर तुम्हें जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो चलते हैं आरजीएस टूल में, और यहाँ पर आपको लिखना है SD, ठीक है, SD, यानी कि भाई ये हो जाएगा सेव, ठीक है। ये देखो SD मैंने लिख लिया। अभी देखो तुम्हारे सामने मैं गेम को बंद कर दिया, वापस से प्ले करते हैं, और अब की बार देखो भाई घर है ना वैसा का वैसा ही रहेगा भाई, वो कहीं नहीं जाएगा। एक सेकंड भाई गेम चालू होने दो, ये देखो चालू हो गया, और सामने की तरफ भाई दिख भी गया मुझे घर। वो देखो सामने की तरफ भाई घर वैसा का वैसा ही है, मतलब तुमने बहुत सारे बिल्डिंग घर वगैरह लगा दिए हैं, और तुम्हें चाहिए कि भाई वो गायब ना हो, तो तुम आरजीएस टूल में भाई SD करके लिख देना, वो सेव हो जाएंगे। तो चलो गाइस अभी मैं ना आपको अपने गेम के कुछ यूनिक चीट कोड बताता हूँ, जो कि है ना बहुत ही कम बंदों को मालूम है। अब देखो भाई सबसे पहला तो ये देखो, तुम्हें है ना यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है, और कितने भाई, ये देखो दो है। अभी तुम्हें चाहिए होगा कि यहाँ पर है ना तुम्हें बहुत सारे इंसानों को बुलाना है, तो तुम्हें जाना है भाई अपने यहाँ पर डायलर पे, और यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही लिखते हो भाई यहाँ पर है ना लोग बढ़ जाएंगे। ये देखो पहले ये था, वो देखो भाई उधर साइड पे एक आ गया, एंड भाई इधर साइड ये देखो ये एक चल रही है, उधर एक सामने आ गए, मतलब यहाँ पर है ना लोग बढ़ जाएंगे भाई। तो यहाँ पर ये देखो और एक आ गई भाई, यहाँ पर दो हो गए सामने की तरफ। तो अगर तुम 1 2 3 4 5 लिखते हो तो भाई ये है ना लोग बढ़ जाएंगे। और अगर तुम्हें यहाँ पर रोड के ऊपर कार्स को बढ़ाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कार घूमने लग जाए, तो तुम्हें जाना है भाई वापस से डायलर मार, और आपकी बार आपको उल्टा लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर 5 4 3 2 1 जैसे आप कॉल करते हो ना, अभी देखना भाई रोड के ऊपर कितने सारे कार्स आएंगे, ठीक है। ये देखो भाई वहां पर एक लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, यहाँ पर देखो सामने की तरफ से कार आने लग गई, वो देखो सामने की तरफ उधर एक लैम्बोर्गिनी आ रही है, मतलब यहाँ पर देखो दो दो कॉनी सेग आ गए, मतलब कार्स है ना इस वाले चीट कोड से बढ़ जाएगी भाई। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर डायलर पर जाते हो और यहाँ पर लिखते हो भाई 0, ठीक है, 0 पर तुम जैसे ही डायल करते हो ना, ये देखो भाई इतने सारे यहाँ पर सिलेंडर आ जाएंगे भाई। यहाँ पर देख सकते हो सिलेंडर का भाई पूरा खंबा खड़ा हो चुका है। और अगर तुम वापस से जाते हो डायलर के अंदर और यहाँ पर लिखते हो भाई 00, ठीक है, 00 से आ जाएगा भाई अपना ये छोटा वाला डब्बा, ठीक है। ये भाई कुछ लंबे टैंक्स है और ये भाई मोटा वाला डब्बा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम्हें अपने गेम के अंदर भाई ज़ॉम्बीज़ को बुलाना है, तो भाई आप तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हें जाना है डायलर पर और यहाँ पर तुम्हें लिखना है भाई 2030, ठीक है। जैसे 2030 लिख जाओगे, अभी देखना भाई तुम्हारे आंखों के सामने, ठीक है, यहाँ पर ये देखो आ गए भाई, आ गए भाई, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे, ठीक है। वो देखो सामने की तरफ भी आ चुके हैं, और अगर तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को बंद करना है तो तुम्हें वापस से जाना है डायलर में, और यहाँ पर तुम्हें वापस से वही चीट कोड लिखना है, ठीक है, 2030, ठीक है। जैसे लिख जाओगे भाई ये ज़ॉम्बीज़ आना बंद हो जाएंगे, लेकिन गायब नहीं होंगे भाई, मतलब यहाँ पर जितने ज़ॉम्बी है ना ये यहीं के यहीं रहेंगे। तो तुम्हें ना यहाँ से भाग कर जाना है, या फिर एक काम करो भाई गेम को है ना बंद करके चालू कर लो, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ गायब हो जाएंगे। तो चलो गाइस अभी बात करते हैं अपने प्लेयर के चीट कोड के बारे में, ठीक है, मतलब जो ये हम है ना भाई हमारे चीट कोड के बारे में। तो तुम्हें जाना भाई यहाँ पर डायलर में, और तुम्हें यहाँ पर लिखना भाई 9129, ठीक है, जिससे अपनी अनलिमिटेड हेल्थ ऑन हो जाएगी, मतलब ये हेल्थ ऑन हो चुकी है। अब है ना तुम ऊपर से गिरोगे ना फिर भी भाई मरोगे नहीं, ठीक है, तुम्हारी यहाँ पर इन्फिनाइट हेल्थ ऑन हो चुकी है। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर लिखते हो भाई 1215, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें लिखना है 1215, ठीक है। ये तुम जैसे ही लिखते हो तो तुम्हारा है ना यहाँ पर हाई जंप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम जैसे ही जंप के बटन पर क्लिक करोगे ना,
ये देखो जंप के बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो भाई तुम्हारा कैरेक्टर है ना हवे में उड़ जाएगा भाई, कितना ज्यादा उड़ चुका है ये देखो, और गिर गया और मैं मरा नहीं क्योंकि भाई मैंने ना अनलिमिटेड हेल्थ लगा लिया है। और इसके अलावा अगर तुम्हें ये बंद करना है मतलब ये हाई जंप को बंद करना है तो तुम्हें फिर से वही लिखना है ठीक है, 1215 जैसे लिख जाओगे भाई हाई जंप बंद हो जाएगा ठीक है। ये देखो भाई बंद हो चुका है, मेरा कैरेक्टर उड़ नहीं रहा ठीक है। और इसके अलावा गाइस तुम्हें चाहिए अल्ट्रा सुपर जंप का चीट कोड, मतलब भाई अभी तुमने जितना हाई जंप किया था ना उससे भी हाइट तुम्हें जंप करना है तो भाई उसका भी चीट कोड है, तो तुम्हें यहाँ पर लिखना है भाई 1216 ठीक है, 1216 जैसे तुम लिखते हो अभी देखना भाई कितना ऊंचा उड़ेगा ठीक है। जैसे तुम जंप पर क्लिक करोगे ये देखो भाई फुल्ली आसमान में जाएगा भाई तुम्हारा बंदा, कितना ज्यादा हाइट पर मैं आ चुका हूँ ये तुम देख सकते हो, मतलब भाई पूरा घर से भी हाइट में उड़ चुका हूँ ठीक है। और अगर तुम्हें भाई इस वाले मतलब ये वाले चीट कोड को बंद करना है तो फिर से तुम्हें सेम चीज को डायल करना है ठीक है, यहाँ पर जाना है और अबे एक सेकंड भाई आरजीएस टूल क्यों ओपन हो गया, यहाँ पर जाना है डायलर पर और लिखना है भाई 1216 ठीक है, ये वाला हाई जंप वाला बंद हो जाएगा। और इसके अलावा गाइस अपना है ना यहाँ पर एक और चीट कोड है तो तुम्हें जाना है यहाँ पर और लिखना है भाई 1120 ठीक है, 1120 जैसे आप लिखोगे तुम्हारा स्काई फॉल लग जाएगा भाई, मतलब तुम है ना पूरे भाई पूरा आसमान के ऊपर से गिरोगे, देख सकते हो भाई कितने ऊपर से मैं गिर रहा हूँ और शायद से अबे यार स्विमिंग पूल में गिर जाए यार खोर भाई मैं मरूंगा नहीं क्योंकि भाई मैंने ना यहाँ पर भाई अनलिमिटेड हेल्थ को लगा रखा है ठीक है, तो भाई ये बंदा भाई आसमान से गिर जाता है ये चीट कोड डालने से। और इसके अलावा गाइस अपने गेम के अंदर स्लो मोशन का भी चीट कोड है भाई, मतलब ये देख सकते हो अपना कैरेक्टर है ना भाई एकदम नॉर्मल ही चल रहा है ठीक है, ये देख तो भाग रहा भी है और अगर तुम अब जाते हो भाई यहाँ पर डायलर में और लिखते हो भाई 1112 ठीक है, 3 बार 1 और 1 बार 2 जैसे लिखते हो अब देखो स्लो मोशन मोड लग गया ठीक है, ये देखो अभी उतना तेज अपना कैरेक्टर नहीं भाग रहा भाई थोड़ा स्लो हो गया ठीक है। और अगर अब तुम वापस से जाते हो डायलर में और लिखते हो भाई 1112 ठीक है, अब देखना और स्लो हो गया ये ठीक है, ये देखो और स्लो हो गया। और अगर तुम फिर से लिखते हो भाई 1112 ठीक है, मतलब 3 बार 1 और 1 बार 2 लिखते हो ये देखो और स्लो हो जाएगा, ये देखो और भी स्लो हो गया भाई, मतलब फुल्ली तुम्हारा स्लो मोशन मोड लग चुका है। और अगर तुम्हें ये बंद करना है तो भाई वो भी कर सकते हो ठीक है, एक सेकंड भाई कितना स्लो हो चुका है यार, फोन भी नहीं निकाल रहा है फटाक से भाई, कितना लेट कर रहा है यार ये देख सकते हो, एक सेकंड भाई फोन निकाल ले भाई, फोन निकाल ले जल्दी से। अभी देखो तुमको जाना है यहाँ पर और फिर से भाई वही चीट को लिखना है ठीक है, 1112 ये ऑफ हो जाएगा ठीक है, ये देखो अभी बंद हो जाएगा भाई, एक सेकंड थोड़ा लेट लगता है ठीक है क्योंकि भाई स्लो मोशन लग चुका है ना तो थोड़ा लेट है, ये देखो भाई खुल गया ठीक है, वापस से नॉर्मल हो गया भाई अपना कैरेक्टर। और इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पर मस्त वाला चीट कोड है, अभी देखो भाई ये अपनी गाड़ी ठीक है, मैं इसको है ना रैंप से कूदाता हूँ भाई तुम देख लेना ठीक है, ये नॉर्मली कूद जाएगी भाई, यहाँ पर देखो ये मैंने कूदा लिया और भाई ये नॉर्मली आ गई ठीक है नीचे है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक ऐसा वाला चीट कोड बता रहा हूँ ना जिसके जरिए भाई बहुत ही मस्त वाली चीज होने वाली है, तो गाइस देखो वो स्पेशल चीट कोड डालने के लिए तुम्हें जाना है डायलर में और तुम्हें यहाँ पर लिखना है 7112 ठीक है, जैसे तुम इससे लिखते हो तुम्हारी मून ग्रेविटी लग जाएगी भाई। और अभी देखो मैं यहाँ पर बाइक पर बैठता हूँ और अब की बार बाइक को कुदाने पर देखो भाई ये कैसे होती है ठीक है, यहाँ पर देखो भाई ये चढ़ रही है भाई कितनी ज्यादा स्लो चढ़ रही है, और अभी देखना भाई ये देखो मैंने इसे कुदा दिया और देखो भाई ये उड़ते ही जा रही है, मतलब तुम्हारी बाइक देख सकते हो कैसे उड़ रही है भाई, ये हवे में के अंदर है, मतलब देख सकते हो भाई सीधा मैं ये बिल्डिंग के ऊपर आ गया भाई उड़ते उड़ते, और अभी भी उड़ रही है भाई ये बाइक है, तो भाई ये होता है मून ग्रेविटी का फायदा, अबे यार किधर जा रही है भाई बाइक, भाई घर के अंदर घुस गई यार वो। और हाँ अगर तुम्हें मून ग्रेविटी को बंद करना है तो भाई तुम्हें वापस से जाना है डायलर में और यहाँ पर लिखना है 7112 ठीक है, ये लिखते हैं भाई मून ग्रेविटी तुम्हारी बंद हो जाएगी। और भाई सारे के सारे चीट कोड यहाँ पर खत्म हो चुके हैं लेकिन एक चीट कोड बच रहा है भाई, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जाना है डायलर पर और यहाँ पर तुम्हें लिखना है 0000 ठीक है, 5 बार तुम्हें यहाँ पर 0 लिखना है और जैसे ही कॉल करते हो भाई तुम मर जाओगे यार, ये देखो मतलब 5 बार 0 डायल करते तुम्हारा यहाँ पर कैरेक्टर मर जाएगा। तो हाँ भाई इसी के साथ यहाँ पर सारे के सारे चीट कोड होते हैं खत्म, तो भाई मैंने सारे के सारे चीट कोड आपको बता दिए, तो भाई इसी बात में वीडियो को लाइक तो बनता है तो फटाफट से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो चलो भाई मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।